जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं आज एकादशी पर गीता की 11वें अध्याय का महात। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषय वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अच्छे महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा कि मेरी इच्छा है, हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देख, हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुद्गण और पहले कभी न देखे थे ऐसी आश्चर्य देखो। हे गुणकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र से, हे राजन, इस प्रकार के कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख नेत्र थे, उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुरुष, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के शब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य के प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारे देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं में ईसा, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विशेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदा, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अन्न तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व भर में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गद चक्र धरे चारों ओर से देदीप्यमान तेजु राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान दुनिरिच और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्मा जानने के वस्तु, विश्व की महान आधार, नित्य सनातन धन के रक्षक, पुराण पुरुषों, मैं आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अंत और समर्पण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देख देवताओं में समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह शवासित कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, पिता, गांधव, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संध विस्मित होकर आपकी और टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहों, अनेक नेत्र, अनेक बाहू, अनेक जांग, अनेक पर, अनेक पीठ, कराल, दंत युक्त तुम्हारा वह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं।
और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तब पहुँचते हुए प्रकाशमान, अनेक वर्षा से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर, हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन्निवास, भयंकर डरों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी डाड़ों से युक्त विकास आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते मानो उनका शरीर चूड़ हो गया है, जैसे नदियों में अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि में पत्ते जैसे गिरते हैं। ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज व्याप्त कर तृप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेंद्र, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरे समझ में ही नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न कर वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार करो, यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सभी शाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित मात्र ही हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर और योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित हुए और भयभीत हो साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न हो और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्ति आप हो और अव्यक्त भी आप ही हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। अनंत रूप आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता भी हो, आपको नमस्कार है, और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर, हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा हो, शो प्रमाद से अथवा स्नेह से, हे अच्युत अप्रमेय रूप तुमसे, इन बोलों को क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस अस्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूजन्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा, इसलिए स्तुत्य इस तुमसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप, देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ
और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट गदा और हाथ में चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे कौरवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होमादि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किया मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वच्छता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो यह विश्व रूप के दर्शन की कांक्षा करते हैं, हे अर्जुन, जैसा रूप तुमने देखा ऐसा रूप को वेद, अध्ययन, तपदान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परतम, मेरा जो ऐसा विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझी को सर्वोत्तम मानते हैं, मेरी ही भक्ति रखते सब सांसारिक संगों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुम भद्रनगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था। वहां एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्यमान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था, नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसी ही सेवा करते करते बहुत सा काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अति दिशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवाई, वहां अतिथि उतरे। अतिथि बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बोले, राजा मित्र उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ ही था, कई मंत्री भी साथ थे। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के बेटे को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई थी। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महान सभी वहां आए, जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, मैं तुझसे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल विपराया था, सो ये खेत में गिर पड़ा। उसके अंग के रुधिर निकला। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठे देखता था, मेरे मन में दया न आई, जो इस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देखा, मुझे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र तेरे कर्म चांडाल के हैं, निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ तोड़ कर खाती है और तू देखता रहा छुड़ाता नहीं, सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुझको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा, तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित करें।
तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्व प्रेत के देह से छूटकर देह देहपायी राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से भी मान आया, उनमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी परायण हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता जी का पाठ कर तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ।